स्टॉप करके दोबारा। पद्मावती के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद मैं और मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में पढ़ाने वाली प्रोफेसर चारू गुप्ता हमारे साथ हैं। हम दोनों ने मिलकर पद्मावती देखी और ये समझने की कोशिश करना के लिए कि जिस बात पर पूरी बहस है कि कैसे रानी पद्मावती को इस फिल्म में, जिसका नाम अब पद्मावत है, पद्मावती नहीं है माफ कीजिए, दिखाया गया है, वही समझने के लिए हमने ये फिल्म साथ देखी। और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा चित्रण लगा आपको उनका। मुझे लगता है कि जहाँ तक फिल्म के सेंसरशिप की सवाल है, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन की आज़ादी हर व्यक्ति का अधिकार है, स्पेशली क्रिएटिव आर्टिस्ट का। लेकिन यहाँ पर हम नारीवादी दृष्टिकोण से उस फिल्म को देखने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है वहाँ गंभीर तरह से ये फिल्म जो है वो कई तरह के सवाल रखती है और वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो एक सेंसरशिप की बात है, यानी कि फिल्म में कैसा भी चित्रण है, कैसी भी कहानी दिखाई गई है, उसको नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो कुछ लोगों को परेशान करती है, इससे आप सहमत नहीं है, लेकिन फिल्म में जैसा चित्रण है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर उसको हम स्पेशली फेमिनिस्ट नजरिए से देखें, आप खुद एक फेमिनिस्ट नजरिया रखती हैं, आपका काम उस पर है, और जो लोग हमारा ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपने शायद अभी पहला दिन पहला शो नहीं देखा होगा, पर हमारी बातचीत से अगर आपके मन में भी कुछ सवाल आए तो जरूर लिख भेजें, मैं वो भी चारू जी के सामने रखूंगी। तो अब अगर हम इसे एक फेमिनिस्ट नजरिए से रानी पद्मावती के चित्रण को देखें, जिसके जो एक कहानी पे आधारित है, वो कैसा लगा? मुझे लगता है कि फिल्म चाहे पहले कहती है कि वो सती का कहीं भी समर्थन नहीं करती, पर जिस तरह से पूरी फिल्म का बिल्डअप है वो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जौहर का एक महिमा मंडन है और वो ऐसे दिखाता है जैसे कि स्त्री का अस्तित्व जो है वो उस जौहर पे ही केंद्रित है। मतलब जो पूरा पद्मावती का चरित्र दिखाया है वो एक सामंती मूल्यों को, पितृ सत्तात्मक मूल्यों को, उच्च जाति की व्यवस्था को, राजपूती सम्मान की झूठी अवधारणा को मजबूत करता है। ये सभी कुछ इस फिल्म में अलग अलग रूप में है और उसकी हम आगे चर्चा कर सकते हैं। आपने कहा जौहर का जो वर्णन है, हो सकता है जो लोग ये देख रहे हो उनमें से कई लोग जौहर के बारे में ना जानते हो। जौहर, आप इतिहास में एक जौहर का वर्णन है, रिकॉर्डेड एक एस्पेक्ट है, जो पहले युद्ध होते थे और उसमें जो कॉन्क्वेस्ट होती थी और उसमें बाद में जब औरतों को उस एक हासिल माना जाता था, तो जौहर के बारे में थोड़ा सा पहले बताएं ताकि जो लोग नहीं जानते। तो जौहर एक सामूहिक एक तरह से सती है जो कि राजपूतों के राजस्थान में जो उनका शासन है उसके साथ विशेष रूप से जुड़ी रही है और इसमें इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं। ये विशेष तौर पर राजस्थान में एक प्रचलित रही थी प्रथा और जिसके उदाहरण मिलते हैं हमको मध्यकालीन भारत से और तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी से, कि इस तरह के कई उदाहरण हुए जहाँ पर कि एक, क्योंकि जौहर के केंद्र में ये बात है कि स्त्री का जो सम्मान है वो उसकी जान से ज्यादा है। मतलब व्यक्ति, एक स्त्री की जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन सम्मान जो है, और वो भी उसका सम्मान से ज्यादा, राजपूत पुरुष के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये एक प्रथा थी कि भाई स्त्रियां, जब ऐसा लगता था कि एक राजपूत राजा हार रहा है तो उसकी न केवल उसकी रानियां बल्कि जो दासियां होती थीं और वो सभी जो है वो सामूहिक रूप से अपने आप को आग में जलाती थी। तो ये ही जौहर की प्रथा थी और इसके कुछ उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज उसको दिखाना और उसका किसी भी रूप में कहीं पर भी फिल्म में ज़रा सा भी क्रिटिक नहीं है। मतलब अगर एक क्रिएटिव डायरेक्टर है जो कि कहानी, उसने पद्मावत को जो जैसी कहा उसको कई रूप में नए नए उस पर पंच जोड़े, उसको जो उसको नए तरह से चित्रित किया है, लेकिन वो कहीं पर भी जौहर की प्रथा का एक पंक्ति में भी क्रिटिक नहीं पेश करता। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, वो पूरी तरह से, हम कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक चित्रण है और ये उसका काम नहीं है, लेकिन हम आज के संदर्भ में इस फिल्म को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि फिल्म का पूरी तरह से उस जौहर की प्रथा को लेकर या स्त्री के ऑनर की जो परिभाषा है इसमें, वो बहुत ही अधिक उस मध्यकाल, उस सामंती मूल्यों के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, जो कि जौहर उसका एक प्रतीक बन जाता है। तो एक उस रूप में मुझे लगता है कि ये एक
एंटी वुमेन टू सम एक्सटेंट आज के परिप्रेक्ष्य में फिल्म है. एंटी वुमेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप मतलब एक बात कह रही हैं कि एंटी वुमेन फिल्म के तौर पे आती है, जबकि फिल्म मेकर का कहना है कि ये रानी पद्मावती को बहुत ही अच्छे बहुत ही इज्जत के साथ और बहुत ही ऊंचा दर्जा देती है, बल्कि जो विरोध हुआ है करनी सेना की तरफ से जिसके हम सभी साक्षी रहे हैं वो तो यही सोचता है कि शायद उनको अच्छे से नहीं दिखाया गया. उनका विरोध और आपका विरोध काफी अलग है. बिल्कुल अलग है. मतलब उनके लिए करनी सेना जैसी संस्थाओं के लिए सवाल ये है कि रानी पद्मावती के अंगों को एक्सपोज किया गया है, ये दिखाया गया है कि वो पुरुषों के सामने बिना पर्दा के आ रही हैं. मेरे सवाल तो उसके बिल्कुल विपरीत हैं. मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर रानी पद्मावती को ऐसे दिखाया गया है कि उसके लिए अपने पति की आन से बढ़कर और अपनी अपनी एक ऐसी नोशन ऑफ ऑनर से बढ़कर कुछ नहीं है, जिसके लिए वो और औरतों को भी कभी जीवन जो है वो भस्म कर रही है. तो एक बड़ी संख्या में आग में जलना, हम आजकल डाउरी डेथ्स हमारे देश में प्रचलित है, मैं तो उससे जोड़ूंगी इसको कि हमारे यहाँ पर वो कितनी एक पेनफुल प्रक्रिया थी, उसको कहीं ना कहीं हम अगर इससे जोड़ के हम उसको अलग करके नहीं देख सकते कि औरतों को आग में जलाया जा रहा है यहाँ पर और उसमें स्वेच्छा का पुट दिया जा रहा है, जबकि पूरा आर्ग्यूमेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट का ये रहा है कि स्वैच्छिक नहीं होता है ये किसी ना किसी रूप में ऊपर से पुरुष समाज का पूरी व्यवस्था का दबाव रहता है. कुछ जिसको स्वेच्छा दिखाई जाती है वो असल में पूरा उस दबाव का काम होता है. स्वेच्छा से कोई इस तरह से आग में नहीं जलेगा, यू नो. तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उन सब से जुड़ता है. यहाँ पर जिस तरह से रानी पद्मावती को दिखाया गया है, और मुझे ये भी लगता है कि उनके पूरे चरित्र में वो उनको एक पतिव्रता स्त्री, एक पति के बिल्कुल पति के लिए सब कुछ अपने को न्योछावर करने वाली दिखाया स्त्री के रूप में दिखाया गया है. हम ये कह सकते हैं कि वो एक राजनीतिज्ञ भी हैं, उनको कहीं कहीं दिखाया गया है कि वो राजनीतिक फैसले भी ले रही हैं, लेकिन वो सारे उनके जो फैसले हैं वो अपने पति को बचाने के इर्द गिर्द ही केंद्रित हैं. तो मुझे लगता है कि उसमें उनका अपना व्यक्तित्व क्या है, उनकी अपनी पहचान तो निकल कर नहीं आती, शुरू होती है. मैं ज्यादा नहीं बताना चाहती हमारी ऑडियंस को, पर ये बात सही है कि जब शुरुआत है उसमें हम उनका अपना व्यक्तित्व शादी से पहले की जो एक पद्मिनी को हम देखते हैं और जो रानी पद्मावती है वो एक बहुत ही डोसाइल और जैसे आपने कहा पतिव्रता, और पतिव्रता होने में शायद कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर उसको उसकी जो उससे एक्सपेक्टेशंस हैं एक औरत से पतिव्रता होने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए, उसमें दिक्कत है. हमारे एक मूल्य दिखाया गया वो एक बहुत ही पॉजिटिव मूल्य के रूप में दिया कि एक स्त्री की पहचान जो है वो यही है. उससे मुझे समस्या है कि उसकी पूरी पहचान जो है वो अपने उसकी वहाँ पे तुलना सावित्री से की गई है और उसकी तुलना उससे की गई कि वो कुछ भी कर सकती है अपने पति को बचाने के लिए. हमारे एक व्यूअर हैं लालू यादव, वो लिख रहे हैं कि जिस फिल्म को सुपरहिट करवाना हो उसे विवादों में डाल दो, क्या ये एक तरीका है आपको लगता है कि खासतौर पे ऐसे मुद्दे चुनने का, या एक सोची समझी एक फैसला होता है किसी भी फिल्मकार का कि वो किसी मुद्दे को उठा के फिर इस तरह से उसका चित्रण करेगा, उसकी भी एक जिम्मेदारी है. मुझे लगता है कि फिल्म और बाजार का एक और हमारे मीडिया में बहुत गहरा संबंध है, लेकिन और मुझे ये भी लगता है कि हर फिल्मकार चाहता है कि उसकी फिल्म में किस अगर विवादों से घिरी रहे, पर मुझे लगता है कि एक बार वो पोटली खुलती है तो फिर वो उसके बाहर चली जाती है फिल्मकार के भी. तो इसमें भी शायद संजय लीला बंसाली ने इतना ये तो नहीं चाहा होगा कि इस तरह से, और ये बहुत ही खतरनाक है कि इसमें औरतों को ही करनी सेना ने वो बनाया है कि दीपिका पादुकोण का सर चाहिए. ये तो हाँ कमर्शियल सक्सेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैं जैसे शुरू में ही कह चुकी हूँ कि मुझे वो बात नहीं लगती है कि वो तो हमें अपने ऑडियंस को इंटेलिजेंट मानना चाहिए, उन पर छोड़ना चाहिए कि वो एक फिल्म को सफल करते हैं असफल करते हैं चलाते हैं नहीं चलाते हैं, और ये अधिकार हमें अपने ऑडियंस को देना चाहिए. जैसे कि हम अभी उसकी फिर आलोचना कर रहे हैं या उस पर एक बहस कर रहे हैं, वो बहस की एक गुंजाइश रहनी चाहिए, ना कि हम उस बात को ना देखें जिससे हम इत्तेफाक ना रखते हों. एक और हमारे व्यूअर हैं रामेश्वर लाल, उन्होंने लिख भेजा है कि पूछा है वास्तव में इस फिल्म में किसका अपमान हुआ, राजपूतों का या संपूर्ण स्त्री जाति का.
मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं स्त्री जाति का एक रूप में अपमान है फिल्म में। साथ ही ये एक बहुत फॉल्स नोशन ऑफ राजपूत ऑनर जो है वो भी ये फिल्म व्यक्त करती है कि जैसे, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में कहने को परोक्ष रूप ऊपर से दिखाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अलाउद्दीन खिलजी का अपमान है सबसे बड़ा, लेकिन अगर उसको कोई फिल्म देखता है तो वो अलाउद्दीन से खिलजी से ज़्यादा कहीं अगर कोई सोचे इसको जरा सा भी तो उसको लगेगा कि ये स्त्रियों का अपमान है कि स्त्रियों को दिखाया गया है कि उनके अस्तित्व का केंद्र जो है वो यही है कि जान नहीं, एक फॉल्स नोशन ऑफ ऑनर। तो मुझे लगता है कि ये और एक फॉल्स नोशन ऑफ राजपूत ऑनर जो है वो भी इसमें, तो तीन तीन स्तरों पर अलाउद्दीन खिलजी का अपमान, लेकिन वो अपमान किस तरह से, मतलब वो दिखाना चाह, डायरेक्टर कहता है कि वो दिखाना चाह रहा है, लेकिन कोई भी उस फिल्म को देखेगा तो उस बहुत ही, मैं जब इस फिल्म से उठकर आई थी तो मैं बहुत डीपली अनकंफर्टेबल थी। आई नो, मतलब मुझे अभी फेसबुक लाइव हमें करना था पर मुझे, मैं इतना असहज महसूस कर रही हूँ वो सैकड़ों औरतों को और दीपिका पादुकोण जिनको जिनके आगे बढ़कर जाके जौहर करती हैं, मतलब फिल्म कितने ही लेवल्स पे परेशान करती है, पर शायद एक औरत होते हुए उसको देखना, जैसे हम कभी बलात्कार को या किसी भी यौन हिंसा को भी चित्रण देखते हैं सिनेमा में, तो वो हमें इतना परेशान करता है। ये किसी ऐसी हिंसा से मेरे लिए कम नहीं था, शायद आपके लिए भी नहीं। राहुल चतुर्वेदी पूछ रहे हैं क्या इस फिल्म में पद्मावती का कोई अपमान हुआ है। मेरे ख्याल से ये भी उसी चश्मे से पूछ रहे हैं जिस चश्मे से करनी सेना बहस करती रही है। मैं अपमान की परिभाषा क्या है, बिल्कुल अपमान मतलब क्या होता है, मतलब क्या एक स्त्री के शरीर को दिखाना अपमान है, मतलब क्या, मुझे तो ज्यादा अपमान वो लगता है कि कोई एक ऐसी स्त्री दिखाए जो हमेशा पैर छू रही है पति के, जो हमेशा ना ना वो कुछ भी कहे उसकी बात मान रही है, मुझे तो लगता है कि उसमें अपमान है, ना कि जो करनी सेना कहती है कि उसको जरा सी कमर दिखा दी या उसको पुरुषों के सामने, वो थोड़ी स्त्री का अपमान है। अपमान की परिभाषा ही मुझे लगता है उसको सर के बल खड़ा करने की जरूरत है। और किसका अपमान, परिवार का, जाति का, उसमें स्त्री कहाँ अब रहती है, उसका अस्तित्व कहाँ रहता है, वो एक व्यक्ति के रूप में कहाँ खड़ी है। मुझे लगता है अपमान जो है और जिंदगी क्या, मुझे तो लगता है जीवन, इतना एक जो सुंदर जीवन है उसका मूल्य कहीं अधिक है। यू नो, ये तो ये कहना हुआ कि अब कोई रेप विक्टिम होता है तो उसमें अपमान कोई स्त्री का थोड़ी होता है, वो तो यू नो वो पूरे समूह और उस पितृसत्तात्मक समाज और उस पुरुष का है, यू नो। तो यहाँ पर भी मुझे तो कहीं नहीं लगा कि मुझे तो अपमान का सवाल ही अपने आप में वो लगता है कि उस पर सवाल उठाने की जरूरत है। क्योंकि एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और भी सवाल आ रहे हैं कि क्या ये अपमान नहीं है कि पद्मावती एक वस्तु की तरह बन के रह गई जिसको कभी उनके पति प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, कभी अलाउद्दीन खिलजी हासिल करना चाहते हैं, क्या कहीं ना कहीं फिल्म उनको as something to be owned, एक चीज जिसको जो हासिल करने की है वैसा, एकदम मतलब कि चाहे वो प्रोटेक्शन का सवाल हो, प्रोटेक्शन और ऑनर का सवाल हो कि उनको हमें बचाना है, उसके हम ये रक्षा करनी है, जब चाहे वो सवाल हो और चाहे हासिल का सवाल हो, तो दोनों ही सूरतों में पद्मावती तो एक तरह से समथिंग टू बी ओन्ड बन गई है, एक ऑब्जेक्ट बन गई है, एक जिसके अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक टू बी थिंग टू बी पोजेस्ड, अ बॉडी टू बी ओन्ड यू नो एंड क्लेम्ड। और अगर आप किसी पति भी वही कर रहा है, केवल मैं अलाउद्दीन खिलजी और उसके पति में कोई ज्यादा फर्क नहीं, ये दोनों ही उसको किसी ना किसी रूप में पोजेस कर रहे हैं। एक हमारे व्यूअर हैं संदीप मौर्य, वो पूछ रहे हैं क्या पद्मावत का विरोध हमारी मूढ़ता, अंधविश्वास, फीमेल ऑनर, गंदी राजनीति या ऑनर किलिंग जैसी चीजों के बारे में हमारी समझ को नहीं दिखाता है। हाँ, दिखाता है कि हम कैसे कुछ लोग जो हैं वो पीछे की ओर जा रहे हैं। ऑनर किलिंग को तो फेमिनिस्ट जो विचारधारा है वो कहते हैं ये ऑनर किलिंग नहीं, एक तरह से कस्टोडियल डेथ है। परिवार में एक स्त्री को मारा जा रहा है उसके परिवार के लोगों द्वारा। या तो जो पूरा पद्मावत, देखिए मैं फिर कहूंगी कि हमें दो अलग अलग बातें हैं, उनको अलग अलग करके देखना चाहिए।
जो करनी सेना जिस तरह विरोध कर रही है उसका उसका हमें एक सख्त विरोध करना चाहिए। वो एक हुलिगनिज्म है, वो गुंडाइज्म है। तो ये जो बात कर रहे हैं ये अगर उस परिवेश के करनी सेना पूरी तरह से वो जिस तरह से इस फिल्म का विरोध किया वो तो उस फिल्म में है ही नहीं। वो तो मुझे लगता है कि वो तो पूरी राजनीति है। मुझे लगता है राजस्थान के चुनाव आने वाले हैं मंडे को, उसके बाय इलेक्शन, ये सब उससे जुड़ा हुआ है। इसका तो कुछ है ही नहीं हर्ट सेंटिमेंट वगैरह से, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। दिस इज प्योर पॉलिटिक्स। लेकिन जो फिल्म कर रही है, मैं वो कहना चाहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से इम्प्लिसिटली वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्त्री की छवि जो है उसको पीछे ले जा रही है। जो आज प्रगति हुई है उसको कहीं ना कहीं पीछे की ओर कर रही है। एक आखिरी सवाल, जौहर को दिखाया गया है शुरू में, कहा है इसका सती प्रथा को बढ़ावा देने का कोई की कोई मंशा नहीं है, पर जौहर इतिहास में दर्ज है और ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था औरतों का। जब कोई भी कैप्चर हो जाता था या उनके पति मारे जाते थे जंग में, तो डेविल्स एडवोकेट के तौर पे अगर मैं ये पूछूं तो क्या जौहर को दिखाना और उस तरह से दिखाना कि औरतों की अपनी एजेंसी थी, उस स्वेच्छा से ये कर रही थी, या ये उनका अपना एक कदम था अपने आप को बचाने का, तो क्या वो भी फिर एक तरह से सही नहीं है अगर ऐसा था उसको दिखाया जा रहा है? मुझे लगता है कि ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि कल को एक फिल्म पूरी सती पे बने वो थी हमारे समाज में। ये कि वो उसको किस तरह से दिखाया जा रहा है, सवाल ये है। सवाल ये दिखाना, इतिहास में दर्ज है, आप दिखाएंगे वो चीज़ दिखाएंगे, लेकिन क्या आप कहीं ना कहीं, क्योंकि एक जो डायरेक्टर्स की क्रिएटिव फ्रीडम होती है, कहीं ना कहीं क्या आप उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कुछ सवाल उठा रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं कि नहीं, वो ये फिल्म कहीं करती हुई नजर नहीं आती। आप कह सकते हो कि इतिहास को दिखाया, तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई इतिहास में लगातार कोई इस चीज, कल को तो फिर कोई सती कहेगा तो वो सती जब हुई रूपकंवर की तो पूरा राजपूतों का एक बड़े खेमे का यही कहना था रूपकंवर का 1984 में कि ये तो हमारे इतिहास में दर्ज है, हम ये कर रहे हैं तो इसको करने में क्या बुराई है, ये तो देवी हो गई हैं इनका तो फिर हम कहेंगे कि उसने वो करना भी ठीक था। तो मेरा ये एक सवाल है कि जिस तरह से दिखाया गया है उस पर हमें सवाल उठाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली अपर कास्ट पेट्रियार्कल फिल्म। आई मीन ये तो एक स्पष्ट है, इट इज़ इट अपहोल्ड्स वैल्यूज ऑफ अपर कास्ट, फॉल्स नोशन ऑफ राजपूत वैलर, एंड इट ऑल्सो अपहोल्ड्स पेट्रियार्की, पितृसत्ता को ये पूरी तरह से पुष्ट करती है वैसे। बहुत शुक्रिया चारू जी ने एक बहुत अलग नज़रिया दिया है मेरे ख्याल से आपको भी और मुझे भी इस फिल्म को और इसके विरोध को समझने का। अगर आपको ये बातचीत अहम लगी हो, इससे आपकी सोच में कुछ नई बातें आई हो, तो इस बातचीत को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ख़ासकर औरतों से कहूँगी कि आज के सारे सवाल मर्दों से थे पर ये सारी बहस हमसे ही जुड़ी है, तो उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में ऐसी बहस में आपके ख्याल भी हमारे साथ शामिल होंगे। आज की इस फेसबुक लाइव को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।